हेलो। हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। नाम और समस्या बताएं। सर, मेरा नाम फहीम सैफी है। अच्छा अभी सर कुछ दिन पहले मैंने आपका वीडियो देखा था, तो सर मुझे भी ना सेम दिक्कत हो रही है। मेरी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते दो हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले शादी हुई थी, जी, लेकिन सर मतलब सेक्सुअल कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या क्या समस्या आ रही है हमेशा फहीम तनाव जी? सर तनाव आता है शुरू में, हाँ लेकिन जैसे ही इंसर्ट करने का टाइम आता है, फोर प्ले में तो रहता है तनाव, हाँ लेकिन जैसे ही इंसर्ट करने का टाइम आता है डॉक्टर साहब, तो तुरंत तनाव चला जाता है और डर बना रहता है। अच्छा। और ये जो दिक्कत आप बता रहे हैं, ऐसा एक आध एक दो बार हुआ है, या जैसे आपने बताया 3 हफ्ते से शादी हो रखी है, लगातार हो रही है दिक्कत, है एक आध बार हुई है? डॉक्टर साहब शुरू से ही हो रही है, पहले बार से ही शुरू से लगातार हो रही है अच्छा। और आपकी उम्र कितनी है फहीम जी? सर। 28 साल है मेरी उम्र। 28 साल। कुछ आपको बीपी, शुगर, कोई थायराइड, किसी प्रकार की कोई बीमारी रही है? नहीं डॉक्टर साहब, जैसे ही शादी होने वाली थी तो मैंने पहले जांच करवा ली थी, तो मुझे कोई बीमारी तो नहीं है। अच्छा। कुछ नशा करते हैं? स्मोकिंग, अल्कोहल, कुछ और नशा? डॉक्टर साहब स्मोकिंग कभी कभी करता हूँ मैं, जैसे दिन में एक दो बार करता हूँ, और अच्छा। अल्कोहल तो नहीं करता हूँ सर। और ये स्मोकिंग कितने सालों से कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब 4 साल हो गया इसे, चार चार साढ़े साल चार साल जी। और एक बात और बताइए मुझे फहीम जी, ये जो दिक्कत आप बता रहे हैं इरेक्शन की, जब आप सुबह सुबह सो के उठते हैं उस समय पे, या फिर रात के समय पे, आपको कभी तनाव मिलता है? डॉक्टर साहब। रात को तो मतलब ऐसे रोज नहीं रहता है, लेकिन मतलब शादी से पहले रहता था, लेकिन जब से शादी हुई है तब से तो बिल्कुल ही रहना बंद हो गया है। जी। फहीम जी, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, ये एक ना कॉमन समस्या हमारे प्रैक्टिस में देखी जाती है कि शादी हुई और शादी के कुछ समय बाद जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का प्रयास किया गया, लिंग में तनाव नहीं आया। और जैसे कि आप बता रहे हैं, कई बार लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग में तनाव आता है, लेकिन जब पेनिट्रेशन का टाइम आता है, इंसर्ट करने का टाइम आता है, उस टाइम पर तनाव चला जाता है। इनफैक्ट इसको एक नाम भी दिया गया है, इसको कई बार हनीमून इम्पोर्टेंस कहते हैं, कि इंसान ने शादी की, शादी के बाद बाहर घूमने गया तो वहां पे सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो पाई, हालांकि इंपोर्टेंस सब यूज नहीं करना चाहिए। अब देखिए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में तनाव आता है और तनाव आने के बाद तनाव का लॉस हो रहा है, तो आपका जो ब्लड का फ्लो है और आपके जो नर्व की फंक्शनिंग है, वो मेरे ख्याल से ठीक ही होगी, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में तनाव आ रहा है मतलब ब्लड का फ्लो और नर्व की फंक्शनिंग यूजुअली ठीक होनी चाहिए। हालांकि ऐसे भी कुछ दिक्कतें होती हैं जैसे कि वीनस लीकेज, जिसमें स्टार्टिंग में तनाव आता है लेकिन तनाव रुकता नहीं है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ब्लड का फ्लो और नर्व की सप्लाई ठीक होनी चाहिए अगर स्टार्टिंग में तनाव आ रहा है। अब होता क्या है कि स्टार्टिंग में यदि एक बार या दो बार या 3 बार आपको इस प्रकार की दिक्कत हो गई हो, तो फिर व्यक्ति सेक्स के टाइम पे पार्टनर के ऊपर फोकस करने की जगह अपने शरीर पर फोकस करने लगता है और थोड़ा सा घबरा जाता है। तो जब आप पार्टनर के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको तनाव बेटर मिलेगा, जब आप अपने शरीर के ऊपर फोकस करेंगे तो आपका तनाव थोड़ा खराब होगा। तो मैं भी आपको एक सलाह देता हूं, ब्लड टेस्ट और वो सभी कराएंगे, जब भी आप नेक्स्ट टाइम सेक्सुअल एक्टिविटी करें, थोड़ा पार्टनर के ऊपर फोकस करने का प्रयास करें, अपने ऊपर फोकस ना करें। उसके बाद भी यदि आपकी समस्या बनी रहती है तो फिर हमें कुछ ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कुछ और दिक्कत तो नहीं है, कुछ हॉर्मोन्स के टेस्ट कराने पड़ेंगे, और हो सकता है कुछ शॉर्ट टर्म के दवाइयां देनी पड़े। क्या करते हैं हम लोग कि दवाइयों के साथ एक बार सपोर्ट के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी को शुरू करते हैं, एक बार सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो जाए तो फिर कई सारे केसेस में प्रॉब्लम अपने आप ही धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। आप सुन रहे हैं मुझे फहीम जी? जी सर। ठीक है, कुछ और पूछना चाहते हैं? नहीं सर, एक बहुत एक धन्यवाद एक एक और सर। मेरी बहुत स्ट्रांग सलाह है फहीम जी, कि आप सिगरेट चाहे एक पीते हो चाहे दो पीते हो, उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। सिगरेट जो है वो ब्लड के फ्लो को लिंग में कम करती है, और आज नहीं तो कल वो दिक्कत करेगी ही करेगी, तो सिगरेट को बिल्कुल भी नहीं पीना है, हाथ भी नहीं लगाना है। यदि नहीं छोड़ पाते हैं खुद से तो इसलिए दवाई लीजिएगा, लेकिन सिगरेट को बंद पूरा करना है। आप थोड़ा सा और समय देखिए, यदि दिक्कत बनी रहती है तो फिर हम ब्लड टेस्ट और दवाई शुरू करेंगे। जी डॉक्टर साहब, जी ठीक है, नमस्कार। जी शुक्रिया डॉक्टर, जी नमस्कार।